आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। उनके नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली। कांग्रेस ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहां पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए आप, ऐसे मंच पर स्वागत हुआ, शपथ ग्रहण हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे का और उन्होंने कामकाज संभाला। इस दौरान उन्होंने भाषण भी दिया वहां पर मंच से। वहां पर उपस्थित कांग्रेस जनों को उन्होंने संबोधित किया और बताया कि कैसे उनके लिए गौरव की बात है, कैसे उनके लिए भावुक पल है। कामकाज जब उन्होंने संभाला उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद का जब उन्होंने कामकाज संभाला। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ पूरी ताकत के साथ, लगन के साथ ठहरना होगा, यही मेरा अपील है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसको लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि खड़गे कांग्रेस को मजबूत करेंगे और हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत हासिल होगी, साथ साथ उनके नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी में बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, बात करें तो 24 सालों के बाद गांधी परिवार से इतर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है, बीजेपी कह रही है कि पार्टी तो परिवार ही चलाएगा, अध्यक्ष रबर स्टैंप है। आपने शायद वो विजुअल नहीं देखे जिसमें जेपी नड्डा का हाथ पकड़ के अमित शाह जी खींच लेते हैं कि एक फोटो तक नहीं खिंचवाने देते प्रधानमंत्री जी के साथ। तो ऐसे में भाजपा ये ना बोले कि रबर स्टाम्प रहेगा और परिवार ही चलाएगा। जेपी नड्डा जी को कब कार्यभार उनका बढ़ा दिया गया देश को पता चला? कोई चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष चुनने के लिए? हमने चुनाव करवाया, बाकायदा दो प्रत्याशी खड़े हुए, वोट दिए गए और वोट देने के बाद खड़गे जी चुनाव जीत करके वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। ऐसे में भाजपा की बौखलाहट साफ समझ में आ रही, उन्हें पता है कि एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनने जा रहा है जिसके खिलाफ उनके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका संघर्ष ऐसा रहा है कि जमीन से उठ करके आज वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बैठने जा रहा है। ऐसे में भाजपा की बौखलाहट साफ जाहिर है। उधर वो भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए हैं, इधर वो हमारे नए अध्यक्ष से बौखलाए हैं, आने वाले दिनों में उनकी बौखलाहट और बढ़ती जाएगी। सामने दो राज्यों में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, आपको लगता है कि वहाँ पे बीजेपी की कड़ी को तोड़ के आप सरकार बनाने में कामयाब होंगे? आपको लग नहीं रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल से लेकर के और गुजरात में दौरे पे दौरा, तो उससे आपको लगता नहीं कि कांग्रेस उन्हें बहुत मजबूत चुनौती वहाँ पर दे रही है और हम दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं? हमारे लिए खूबसूरत लम्हा है ये कि आज हम अपने नए अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम दोनों राज्यों में अपने नए मुख्यमंत्रियों का भी स्वागत करेंगे। आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार गए हुए कई साल हो गए, 1989 के बाद सत्ता में नहीं आई है, एक लोकसभा सांसद मात्र, आपको लग रहा है 24 में कम्पीट कर पाएंगे उत्तर प्रदेश? हाँ बिल्कुल कम्पीट कर पाएंगे। हमने जिस तरह से अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, और आने वाले इन 21 सालों में उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदी पट्टी के तमाम ऐसे राज्यों ने जहां हमारी सरकारें नहीं हैं उन्होंने माना कि इस देश को कांग्रेस के अलावा कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने जनता ने क्षेत्रीय दलों पर भरोसा किया और वो भरोसा धीरे धीरे अब टूटता जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उनको भी ये बात पता है। थैंक यू, शुक्रिया। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका कहना है कि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है और 2024 में बेहतर प्रदर्शन करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि क्षेत्रीय दलों से लोगों का मन वहां पे भर चुका है। कश्यप सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।